विश्वास वह शक्ति है जिससे हारा हुआ इंसान भी उठकर लड़कर जीत सकता है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। दूसरों को दोष देना छोड़कर अपनी गलतियों को सुधारिए। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। एक टॉपर से पूछा गया, आप कितनी देर पढ़ते हो? उसने जवाब दिया, जब तक मेरा हर दिन का बनाया गया गोल पूरा ना हो जाए तब तक। फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में सुबह का सूरज ही क्यों ना निकल आए। इसी तरह आपको भी अपने हर दिन का एक गोल सेट करना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा, अपने हर दिन के गोल को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करनी होगी। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपनी मेहनत से हम जो चाहें हासिल कर सकते हैं। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी होगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सो नेवर गिव अप। एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस ऑलवेज हग्स यू इन प्राइवेट बट फेलर ऑलवेज स्लैप्स यू इन द पब्लिक। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। लोगों की मत सुनो, लोगों की सोच तो हर वक्त बदलती रहती है। आगे बढ़ना है तो खुद की सुनो। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। बस तुम्हारी चाहत तुम्हारे लक्ष्य के लिए हद से ज्यादा होनी चाहिए। महानता कभी गिरने में नहीं होती, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। कहते हैं जो समय का मोल समझते हैं, समय उन्हें अनमोल बना देता है। अगर आप उन बातों उन परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य पछतावा है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियाँ हमारा भाग्य खुद लिख देंगी। APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो है जो हमको सोने नहीं देते। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान को बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई स्ट्रेंथ और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपने आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार के आगे जीत है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर इससे आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और RKS बायो अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।